सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अरुण मोहन आपका अपने चैनल यस्तदी विट एकेजम में स्वागत करता हूँ। साथियों, वर्तमान में आप लोग परिवार सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं और उसे प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट भी कर रहे हैं साथियों। तो साथियों, वर्तमान में आप द्वारा 3 सवाल है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल ये है साथियों कि हम प्रेरणा पोर्टल पर जो डाटा फिट कर रहे हैं उसको कैसे देखेंगे। दूसरा ये है, अगर किसी सदस्य या परिवार के बच्चे का नाम छूट गया है तो हम उसे कैसे फिट करेंगे। और तीसरा सवाल ये है कि अगर हमने कोई डाटा परिवार का कोई डाटा फिट कर दिया है और उसमें कोई मुखिया की जानकारी में कोई करेक्शन करना है या बच्चे के नाम में कोई करेक्शन करना है तो उसे हम कैसे फिट करेंगे साथियों, तो कैसे उसे हम चेंज करेंगे या उसे कैसे अपडेट करेंगे। तो साथियों, आज का वीडियो इसी सवाल को बताने के लिए है, इसी सवाल के उत्तर में बनाया है मैंने कि आप इन तीनों समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे साथियों, क्योंकि जैसे ही हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा साथियों। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये 3 लाइन पर क्लिक करेंगे साथियों। जैसे ही 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो बाएं साइड में साथियों कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे, तो हम फिर वही ऑप्शन में चलते हैं। वो ऑप्शन कौन सा है साथियों? वो ऑप्शन है सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप साथियों। तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं। तो साथियों, यही ऑप्शन है जो हम पहले करते थे जब हम नया जोड़ते थे साथियों, तो यह लिखा होता था सर्वे हेतु मुखिया जोड़े। तो साथियों, अब हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे। अगर हमें देखना है कि अब तक हमने अपने स्कूल में कितना डाटा फिट कर दिया है परिवार सर्वेक्षण का, तो साथियों अब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देखिए साथियों, मैं नीचे आ जाता हूँ। देखिए, जो हमने डाटा फिट किया है, देखिए साथियों पूरा डाटा दिखा रहा है। या पेज तक जाएंगे, देखिए साथियों नीचे 15 पेज दिखा रहा है, तो हम 15 वाले क्लिक कर देंगे साथियों। तो इसका मतलब यह है कि हमने अब तक 141 डाटा फिट कर लिया साथियों। ये तो हो गया डाटा हम कैसे देखेंगे। दूसरा सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है साथियों, तो उसके लिए साथियों अब हम बैक आते हैं। बैक आने के लिए सेम वही प्रोसीजर करेंगे साथियों। अब ये पूछा जा रहा है कि अगर हमें कोई सदस्य या बच्चे को उस परिवार में ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो साथियों, सिंपली आपको जो नीचे सदस्यों का नाम दिखा रहा है उसको हम स्क्रॉल करके बाएं आएंगे, तो दाएं साइड में देखिए साथियों, पहले 2 ऑप्शन था, अब 3 ऑप्शन आ गया है साथियों। 3 ऑप्शन आ गया है और यही मेन चीज़ है। अगर आपको किसी सदस्य को ऐड करना है साथियों, तो हम ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हम अंदर चले जाएंगे पेज के अंदर। तो साथियों देखिए, जो हम यह सदस्य को ऐड किए हैं, अगर हमें और कोई सदस्य ऐड करना है तो हम यहाँ पर संख्या डाल लेंगे। मान लीजिए 6 है, हमें 7 करना है तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे, तो इसके नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा। या एक और डालेंगे तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन बढ़ जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है साथियों, ऐसे ही हमें अगर फिर हमें बैक जाने के लिए हमें उसी ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर हमें किसी बच्चे का करना है साथियों, तो अब हम फिर वैसे ही बाय स्क्रॉल करेंगे, तो बच्चे वाले ऑप्शन में सेम वैसे ही कर देंगे साथियों। अब ये जो प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी अपडेट आई है कि हम फिल किए हुए डाटे में कैसे संशोधन या करेक्शन कर सकते हैं। ये ऑप्शन पहले नहीं था साथियों। देखिए, एक्शन वाले में अपडेट का ऑप्शन आ गया है, तो हम परिवार का जो भी त्रुटि सुधार करना है, करेक्शन करता है, तो हम अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे साथियों। जैसे अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे साथियों, हम डाटा के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। देखिए साथियों, ये जो डाटा है हमने एक परिवार का भरा हुआ है,
अब हमें इसमें जो भी करेक्शन करना है हम इसमें करेक्शन कर सकते हैं साथियों। अगर मान लीजिए इस वाले पेज में कोई आपको करेक्शन करना है परिवार के मुखिया वाली जानकारी में, तो इसमें आप साथियों करेक्शन कर सकते हैं। नहीं तो अगर मुखिया के परिवार के सदस्य वाले ऑप्शन में करेक्शन करना है साथियों तो हम इस पर कर देंगे साथियों। अगर बच्चों की जानकारी में कोई करेक्शन करना है तो इसमें कर देंगे साथियों। और ये सब करने के बाद नीचे देखिए अपडेट का ऑप्शन है साथियों, हम इस पर क्लिक कर देंगे साथियों, तो वो डाटा जो होगा अपडेट हो जाएगा। तो साथियों ऐसे ही हमें काम करना है। और साथियों कोई भी अगर परेशानी होता है तो हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे साथियों।